गाइस अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, बट इसमें अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट मुझे लग नहीं रही है दूध की, तो इसलिए मैं इसमें नहीं डालूंगा। आप लोग डाल सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट्स लगे तो। ये देखिए, तो अब ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसको कप केक्स में डालेंगे। ये देखिए, अब इनमें डालेंगे हम। अब हमने इसको कपकेक्स में डाल लिया है, तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेटिंग का है चोको चिप्स एंड कलरफुल बॉल्स। अब हम डेकोरेट करते हैं इसको। पहले हम थोड़े से चोको चिप डालेंगे ऊपर। चोको चिप के बाद हम डालेंगे कलरफुल बॉल। ऐसे ही हम सब में कर देंगे, चोको चिप और कलरफुल। ये मैंने OTG को प्री हीट करने के लिए रख दिया था। मैं OTG में बना रहा हूँ, आप चाहे तो कुकर, माइक्रोवेव। अब ये प्री हीट हो चुका है, अब हम इसमें हमारे कपकेक डाल देंगे। ये हमने कपकेक डाल दिए हैं, अब हम इसको क्लोज कर देंगे। देखिए गाइस, ये पूरे बेक हो चुके हैं। अब हम इसमें फॉक या टूथपिक मार के चेक कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें ज्यादा कपकेक में ज्यादा बैटर मत भरना, क्योंकि अगर ज्यादा भरोगे तो ये चीज हो जाएगी। मेरे से इसमें थोड़ा ज़्यादा भर गया था, तो ये देखो ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेक होता है, मतलब फूलता है, तो वो फूल के फिर नीचे आ जाता है जितना भी बैटर होता है। ये अब हमारे बनाना चॉकलेट कपकेक्स रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितने स्पॉन्जी भी है।